Hello everyone, welcome again. Today in this video we are going to learn about the evolutionary model. Okay, so in the previous video we have already covered about the classical waterfall model, iterative waterfall model and prototype model, right? So aaj ke video mein hum evolutionary model ke bare mein janenge ki ye jo evolutionary model kya hota hai, hum ye evolutionary model ko kab use karte hain aur ye model ka advantages kya kya hai and disadvantages kya kya hai, वो सब चीज आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे. ऑलराइट, सो ये रहा हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल. ओके, तो इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या होता है मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद ये थ्योरी पार्ट हम कवर अप करेंगे. ओके, और उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू से समझाऊंगा कि इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है. तो ये रहा वो डायग्राम जिसके हेल्प से हम इवोल्यूशनरी मॉडल को समझेंगे. ओके, तो सोचो कि हमारे पास एक क्लाइंट आया. ओके, और वो हमको बोला कि उसको एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है. ऑलराइट, तो हम क्या किए, उसी क्लाइंट के जो प्रॉब्लम है और जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए हम क्या किए, एक डायग्राम बना के रेडी कर लिए. ओके, और हम उसी क्लाइंट को ये डायग्राम को लेके दिखाए कि और पूछे उसको कि आपका जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर इस तरह का आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाए हैं डायग्राम से, तो आप इसको देख के हमको बताइए कि ये आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सही है कि नहीं, और ये जो डायग्राम है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, आप देख के हमको बताइए. ऑलराइट, तो जब हमारा जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा ये डायग्राम को देख के कि और बोलेगा हाँ मुझे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके, देन हम क्या करेंगे, हमारा जो डायग्राम है ये एंटायर डायग्राम को हम क्या करेंगे, बहुत सारे पार्ट में या फिर बहुत सारे मॉड्यूल में क्या करेंगे, सब डिवाइडेड कर देंगे. फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 1, ये हो गया मॉड्यूल नंबर 2, ओके, एंड ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 3. ओके, देन हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक पहले छोटा पहले जो स्टार्टिंग मॉड्यूल है उसको हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल ये हो गया, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 1. ओके, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर 1 को हम बना के रेडी करेंगे, और जब ये मॉड्यूल नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल नंबर 1 को क्लाइंट को सबमिट कर देंगे. ओके, ताकि क्लाइंट वो मॉड्यूल नंबर 1 को यूज करके अपना काम करना स्टार्ट कर दे. ओके, देन हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 को बना के रेडी करेंगे. ओके, एंड मॉड्यूल नंबर 2 जब बन के तैयार हो जाएगा हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल नंबर 1 के साथ उसको ऐड करके हम क्लाइंट को मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या करेंगे, क्लाइंट को सबमिट कर देंगे. ओके, देन जब वो क्लाइंट मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 दोनों को यूज कर रहा होगा, हम क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 को बना के तैयार करेंगे. ओके, देन मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3 ये तीनों को ऐड करके हम फाइनली हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो बना के तैयार कर लेंगे और क्लाइंट को सबमिट कर देंगे. ओके, तो ये हमारा जिस सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3 सब कुछ ऐड होके बनी हुई है. ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी मॉडल में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं. ऑलराइट, तो इसमें एक सबसे मेन पॉइंट क्या है, देखो जब ये फेज में क्लाइंट मॉड्यूल नंबर 1 को यूज कर रहा था, राइट, देन जब फेज नंबर 2 में आया, फेज नंबर 2 में भी क्लाइंट मॉड्यूल नंबर 1 को भी और मॉड्यूल नंबर 2 को भी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, देखो. देन यहाँ पे फिर से जब क्लाइंट फेज नंबर 3 में आएंगे, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3 ये तीनों क्लाइंट यूज करेगा यहाँ पे, तो मॉड्यूल नंबर 1 यहाँ पे देखो तीनों पे रिपीट हो रहा है, देन मॉड्यूल नंबर 2 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, राइट. तो सेम चीज यानी कि सेम फेज अगेन एंड अगेन इसी इवोल्यूशनरी मॉडल में रिपीट होता रहता है. ओके, इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो एरर है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाता है. ओके, क्योंकि एक चीज को अगर हम बारी बारी में यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट. तो यही है एक एडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, कि एक मॉडल को बार बार यूज करने से वो मॉडल तो हमेशा बिजी ही रहेगा ही, क्योंकि फर्स्ट फेज में देखो मॉड्यूल नंबर 1 बिजी है. ओके, क्योंकि इसको क्लाइंट यूज कर रहा है, देन सेकेंड फेज में भी मॉड्यूल नंबर 1 बिजी है और मॉड्यूल नंबर 2 भी उसके साथ बिजी है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट दोनों को यूज कर रहा है, राइट. देन फेज नंबर 3 में क्या हुआ, मॉड्यूल नंबर 1 भी बिजी है, 2 भी बिजी है एंड
थ्री भी बिजी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है वो तीनों फेज को एक साथ यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमेशा मॉड्यूल नंबर वन, मॉड्यूल नंबर वन एंड टू, ये हमेशा बिजी स्टेट में रहते हैं। ओके, तो ये है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल। दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव मॉडल। याद रखना, इवोल्यूशनरी मॉडल को हम सक्सेसिव मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक मॉडल को इसमें क्या करते हैं, एक एंटायर मॉडल को यानी कि एंटायर प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, और एक मॉडल के तैयार होने के बाद हम फिर दूसरा मॉडल तैयार करते हैं, जब दूसरे मॉडल तैयार बन हो जाएगा तब हम तीसरा मॉडल को हम तैयार करते हैं, राइट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली हम मॉड्यूल्स को डेवलप करते रहते हैं और हमारा प्रीवियस मॉड्यूल के साथ ऐड करते जाते हैं, राइट? तो इसीलिए एक सक्सेसिवली हम हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको बना के तैयार कर रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इवोल्यूशनरी मॉडल एज सक्सेसिव मॉडल। ओके, हियर सिस्टम इज ब्रोकन इनटू सेवरल मॉडल एंड सक्सेसिवली डिलीवर्ड। मतलब हमारा जो एंटायर प्रोजेक्ट था उसको हम सब डिवाइडेड कर दिए एंड हम क्या किए, पार्ट वाइज उसको डेवलप्ड करना तैयार किए, और हम उसको हम क्या किए, हमारा प्रीवियस वाला मॉड्यूल के साथ ऐड करते 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 फाइनली हम हमारे सॉफ्टवेयर को बना के रेडी कर लिए, राइट? देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज एज इट इज इंक्रीमेंटल मॉडल ईच फेज ऑफ दिस मॉडल इज बिजी अंटिल द प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंटायरली डिलीवर ना हो जाए तब तक हमारा जो मॉडल सब है वो सब बिजी स्टेट में रहते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं बताया, ये देखो मॉड्यूल नंबर वन, ये फेज में मॉड्यूल नंबर वन बिजी स्टेट में है, देन फेज नंबर टू में मॉड्यूल नंबर वन भी बिजी स्टेट में है और मॉड्यूल नंबर टू भी बिजी स्टेट में है, देन फेज नंबर थ्री में मॉड्यूल नंबर वन टू एंड थ्री तीनों के तीनों बिजी स्टेट में है। तो ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है देखो यहाँ पे, इसी दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कि एज इट इज ए इंक्रीमेंटल मॉडल ईच फेज ऑफ दिस मॉडल इज बिजी अंटिल द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड कंप्लीटली। ओके ओके, देन द लास्ट पॉइंट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर मॉड्यूल इज डेवलप्ड एंड देन इट इज एडेड इनटू द इंक्रीजिंग लेवल विथ एनोदर मॉड्यूल। इट मींस पहले हम क्या किए, कोर मॉडल, कोर मॉड्यूल इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट में हम जो मॉडल को बना के तैयार किए उसको हम बोलते हैं कोर मॉडल। ओके, क्योंकि ताकि हम एक कोर मॉडल के साथ नेक्स्ट मॉडल को ऐड कर देंगे, देन ये कोर मॉडल और नेक्स्ट मॉडल के साथ और एक नेक्स्ट मॉडल ऐड करके हम फाइनली हमारे सॉफ्टवेयर को बना के तैयार कर लेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशनरी मॉडल। ओके, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है देखो, तो ये रहा वो हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल। ओके, तो एडवांटेजेस क्या रहा देखो, इसमें पहले हमारा जो, मैं आपको पहले बताऊं, ये जो हमारा कोर मॉड्यूल था प्रीवियस में, ये कोर मॉड्यूल को हम सॉरी ये जो हमारा कोर मॉड्यूल है, ये कोर मॉड्यूल को हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे एरर आ रहा है हम इजिली बोल सकते हैं, राइट? हम इजिली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक एडवांटेजेस हो गया। और एडवांटेजेस क्या हुआ, हम एक फेज के बाद मतलब एक मॉड्यूल के बाद दूसरे मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, देन दो इन दोनों मॉड्यूल के साथ और एक मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, तो हमको ये समझने में इजी हो जाएगा, राइट? हमारे जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है उसको हमको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ हम इसमें मॉड्यूल नंबर वन में ये सब चीज़ यूज कर रहे थे, अभी इसके साथ ये ऐड हो गया तो इसमें ये सब चीज़ ऐड होता है, तो हमको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में सॉफ्टवेयर को, राइट? ये हो गया एडवांटेजेस नंबर टू। एंड हमारा थर्ड एडवांटेजेस क्या है, हम हमारे रिक्वायरमेंट को इजीली जान सकेंगे। देखो ये अभी ये मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं तो हमको हमको पता चल गया कि इसके साथ और क्या ऐड करना चाहिए। ओके, तो हमको हमारे मॉड्यूल नंबर टू का जो मतलब ये वाला फेस में मॉड्यूल नंबर टू के रिक्वायरमेंट को हमको समझ में आ गया, देन हम जब ये दोनों मॉड्यूल को यूज करना स्टार्ट किए तब हमको पता चल गया कि नहीं इसके साथ और कुछ ऐड करना चाहिए, जिसको कि हम मॉड्यूल नंबर थ्री बोलते हैं, तो हमको मॉड्यूल नंबर थ्री का रिक्वायरमेंट है बोल के हम समझ जाएंगे, राइट? तो इस तरह से हम रिक्वायरमेंट को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर को फाइनली बना सकते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल। ओके, तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ई पे प्रॉब्लम इज नॉट इजी टू डिवाइड इन मॉड्यूल देन दिस मॉड्यूल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको अगर सब डिवाइडेड नहीं कर पाएंगे तो हम इवोल्यूशनरी मॉडल को यूज ही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा हर फेज में एक नया नया मॉड्यूल को डेवलप करते हैं इसी इवोल्यूशनरी मॉडल में, राइट? तो अगर हम इसी प्रोजेक्ट को मॉड्यूल में डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो हर फेज में कैसे एक नया नया मॉड्यूल को बना के तैयार करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हम इवोल्यूशनरी मॉडल को
हम इस केस में यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम सब डिवाइडेड नहीं कर पाएंगे तो राइट. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इफ ए प्रॉब्लम इज नॉट इजी टू सब डिवाइडेड इन मॉड्यूल देन दिस मॉड्यूल कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड करेक्टली. ऑलराइट, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं और इसका एडवांटेजेस क्या क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. ओके, सो आज के लिए इतना.